महीने नहीं मरोड़ा। अरे मर गई मर गई। अबे कहो वो भाभी भाभी कहो यार। हाँ अरे भाभी कहो वो यार। देखा कोई तो भी मेरे बाल खींच रहा था डॉक्टर। कोई तो भी इतने को है यार जो जरूर पोफले को काम रुके। हाँ मैंने नहीं खींचा सावित्री सावित्री कर रही थी सब। फिर से सावित्री यार। जब सावित्री अस्तित्व ही में नहीं है फिर कैसे कर रहे यार बताओ यार तुम भी। अबे तो चश्मा गाड़ो बे। अबे चश्मा गाड़ो रे कछु नहीं दिख रहा होगा बे। अबे अबे चश्मा लाओ बे। अबे भरा रे एक मिनट एक लॉजिकल बात सुन लो। जब तक मैं आभास करना था ना। आभास? अरे यार
हमने कही थी ना, आपको तो सिर्फ ऐसा महसूस करना है कि जो दिख रहा है वो नहीं दिख रहा है यार। फिर मैं क्या करूं? अरे आप ना करो कछु यार, आप तो सिर्फ एक काम करो, जैसे जो कुछ विचित्र घटनाएं घट रही है ना, तो समझ लो कि नहीं घट रही। आपको जो दिख रहा है ना, ओसो कछु ऊट पटांग हो ही नहीं रहो यार। जो घट रहा है वो समझो नहीं घट रहा है, मतलब जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मतलब मैं आपसे नहीं बात कर रही हूँ। आप तो यहाँ हो ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही मानती रहो है ना, और हमारे यहाँ थोड़ी देर से जो घट रहा है वो ये कुर्सी यहाँ नहीं है, मैं इस कुर्सी पर बैठी नहीं हूँ। ये किताब यहाँ नहीं है, मैंने इसको उठाई नहीं है। आत्मा की नश्वरता और परलोक की साधना, वाह जोरदार, डर लगेगा पढ़ने में, चलो पढ़ते हैं। लाइट गई नहीं है। अरे वाह, सफेद साड़ी सावित्री बाई अच्छी बसी, सुबह से तुम्हें ही तो ढूंढ रहा हूँ भाई। कोई तो भी आया लगता है। नहीं नहीं कोई नहीं, आवाज कैसा लग रहा है भाई? तुमको देख पा रहा हूँ, पहले तो ये पूछूं, क्या तुम मुझे देख पा रही हो? नहीं, मैं आपको कैसे देखूंगी, आप तो है नहीं। कैसा लग रहा है इस घर में? अरे जब से आई तब से कितनी प्रॉब्लम शुरू हो गई है। जितना बद करो तुम्हें वापस भेज देता हूँ। ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? बांध रहे हैं? नहीं 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 नहीं, बांध नहीं रहे हैं। अरे लंबा सफर है ना, रस्सी बांध देता हूँ। आज की तारीख में साहब मैंने भूतों को इसके सामने लाके खड़ा कर दिया,
तो भी पुलिस टीचर पे दे रहा है। अब आप कोई और उपाय निकालो इस सावित्री को इस घर से बाहर निकालने का, प्लीज। इतनी रिक्वेस्ट, एलओएल लोल। अच्छा मैं जब तक इंस्टीट्यूट से कॉन्टेक्ट करती हूँ देखता हूँ, पर एक शर्त है, ये डॉक्टर की आने के पहले मुझे जाने दे। बहुत मारता है कभी ना, सो मारता है, एक घूमता है। आवे 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 यामिनी, क्या बोला तुमने राघव भरारी को? हाँ क्या बोला? पूछो स्टूडेंट से। सावित्री को इस घर से वापस भेजना है, ऐसा बोली तुम राघव भरारी को? हाँ, मैं तो ऐसा ही बोली। वो भूत क्या तुम्हें इस घर में सारी उम्र पाल कर रखना है? पर ऐसा वो हल्ला मचाने से भी क्या फायदा? हा तुम जरा शांत दिमाग से सोचो तो तुम, मैं और ये सावित्री, हम तीनों यहाँ मजे से रह सकते हैं। मैं और उसके साथ मजे में रहूं, ये पॉसिबल ही नहीं है। सीधे पूछो उससे कितने दिन का मुकाम करने का इरादा है इसका? घर तेरे बाप का है क्या? सावित्री रुको, मैं समझाता हूँ ना। हाँ तुम भीतर जाओ। अच्छा ठीक है पप्पू, मैं जा रही हूँ। हाँ, है ना? हाँ, तुम अपना ध्यान रखना। बिल्कुल, और मुझे याद करते रहना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ जाओ। जैसे मौत मेरे पीछे आके खड़ी है। किसको फोन किया? किसी को नहीं। कि डॉक्टर को? नहीं, किसी को नहीं। तुम्हें पता है ना, कभी कभी पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती। ये तुम तकिए से क्यों खेल रही हो? तकिया? तकिए से खेल रही हो? तकिए से क्यों खेल रही हो? मुझे नहीं चाहिए।
मेरा। खून नहीं पप्पू, हमारे यहाँ इसे मुक्ति देना कहते हैं। अरे अरे, तुम्हारे यहाँ इसे जनेऊ नहीं तो शादी नहीं तो कुछ भी कहते होंगे। हमारे हमारे यहाँ इसे गंभीर पार्श्विक अपराध कहते हैं। अरे पप्पू, मैं ऐसा क्यों कर रही? ताकि तुम और मैं हमेशा साथ रहे। उस पागल लड़की के साथ शादी करने की जगह अगर तुमने जहर खाकर मर गए होते तो कम से कम आज हम दोनों साथ होते। कौन पागल? अरे तुम पागल हो, छुटकारा ही मिला है तुमसे। हाँ। ऐसा लगता है तुमको? हाँ, छुटकारा ही मिला है। और सुनो, कैलाशवासी सावित्री पोफले, अब तुमको ना इस घर से वापस जाना ही पड़ेगा। अब वो है ना राघव भरानी, वो इसी व्यवस्था में लगा है। हाँ। कौन? राघव भरानी? हाँ। अरे उसका बाप चाहिए मुझे यहाँ से भेजने के लिए। आ गया बाप रे, राघव भरानी। हाँ भरानी साहब, आइए 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 आइए। जामिन नहीं आई? मैं नहीं पता यार, बिट्टी का कहाँ से पता करूँ? ओ ये 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 ये, ये सावित्री को कैसे तो भी यहाँ से वापस भेजना है। हाँ वापस भेजना। हाँ। तब तो पूजा करना पड़ेगी। अच्छा, और एक विशेष व्यक्ति को यहाँ बुलाना पड़ेगा। किसको? ऐसा कोई तो भी जो दिन पूजा बिता अज्ञाने में पतलोक से संपर्क साध रहा था। अरे पड़ा ऐसा कौन था? अभी मालूम पड़ेगा। अपन पूजा करते हैं ना, शुरू करे। जरूर कुछ किया है यामिनी के साथ। यह आवाज किसकी है?
यामिनी, हाँ ये यामिनी क्या है, यामिनी। अरे किसको आवाज लगा रहे हो यार? यामिनी को। कोनो फायदा नहीं है यार। भाभी को एक्सीडेंट हो गया यार। क्या? कोनो ने तुम्हारी गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए थे। भाभी अब नहीं रही यार। यामिनी नहीं रही। किसी और ही जगह जा रही थी तो एक छोटा लड़का नाक पोंछता आया, बोला भरजा तू ही है ना प्रोफेसर सत्यवान पोफले की पत्नी, जा घर वापस जा। यामिनी अब तुम जीवित नहीं हो, इस सावित्री ने तुम्हें मेरी जगह मार डाला। क्या? सावित्री ने मेरा खून कर दिया? मतलब अब वो मुझे दिख रही है ना? दिख रही है ना मुझे? अब मैं देख लेती हूँ मतलब क्या? अभी ना रुक, मैं ना सिलपट्टा लाती हूँ और अभी तेरे साथ में मारती हूँ। रुक जा दुष्टा, रुक जा। अरे पप्पू रोको ना उसे, देखो सिलपट्टा ले ली है। अरे कुछ तो बोलो। मैं कुछ नहीं बोलने वाला, तुम दोनों भूत हो, आपस में ही निपट जाओ। अरे बाप रे, अब मेरे खून से सामना होगा। ऐसा ही होना चाहिए तेरे साथ, ऐसा ही जान ही लेनी बेचारी की। अरे हद हो गई तेरी दुष्टता की, हद हो गई। आई हे क्यों सावित्री, आई हे क्यों। अरे पप्पू तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? अरे मैं तो ये सब इसलिए कर रही थी ताकि हम दोनों साथ में, अब क्या क्या करूंगी मैं यार उस भूत के साथ लड़ने के लिए? तुम्हें जब मेरी इच्छा नहीं दी हो कि मैं यार हूं तो जा रही हूं इस